हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हमारा अजियो पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि 2 पार्ट में हम अलग अलग बता चुके हैं। एक में गर्ल्स का पैंट दिखाया है, सेकंड में गर्ल्स के टी शर्ट दिखाए हैं, और थर्ड में बॉयज़ लोगों के दिखाएंगे। तो अभी हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, उसमें आता है टी शर्ट। तो सबसे पहले ये वाला है टी शर्ट, और पर्पल कलर का ये वाला टी शर्ट है। तो ये टी शर्ट है 399 का, और बहुत बढ़िया है। इसका कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है, और विदित्व को ना इस टाइप के कपड़े बहुत पसंद आते हैं, जिसमें ऐसा उभर के आते हैं ना ये अल्फाबेट्स, तो उसको ये वाला बहुत पसंद आता है। इसमें बोलते हैं, मम्मा इसमें स्कर्ट्स लिखा है, तो मुझे ये वाला दिलाओ, ये कलर भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये वाला कलर ना 2 सेम सेम दिए हैं, एक विदित्व के लिए और एक उसके छोटा भाई के लिए। तो ये है 7 to 8 ईयर का है। हाँ, तुम्हारा छोटा भाई है बाबा। और एक ये है, दोनों सेम सेम कलर के हैं। उसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ये 2 to 3 ईयर का है, और ये है 399 का, और दोनों भी 399 के हैं, बस साइज का डिफरेंस है। दोनों 399 के हैं, और कलर भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, छोटू मियाँ बड़े मियाँ। तो ये हो गया है एक टी शर्ट। सेकेंड टी शर्ट आता है डॉलीज, ये देखो छोटे भाई हुडी है, ये हुडी अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। इसका कलर तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ये वाला कलर ना बहुत अच्छा लगता है। मिक्की माउस है उसमें, दिखाओ। मिक्की माउस नहीं, मंकी है इसमें। और इसमें ना पॉकेट है, जो उल्टा पॉकेट दिया है। और इसका स्लीव्स अगर हम देखते हैं ना, तो स्लीव्स ये है। और अगर इसको हमें छोटा करना हो, तो इसको यहाँ से फोल्ड कर लो, और यहाँ पर बटन है, तो हम उसको लगा भी सकते हैं। इसमें अंदर दिया हुआ है उसका, ये देखो, इससे ना फोल्ड करके हम यहाँ पर बटन ऐसा लगा सकते हैं। तो ये वाला भी बहुत अच्छा है, और इसका कलर ना बहुत प्यारा है, मुझे ऐसे वाले कलर बहुत प्यारे लगते हैं। और कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा भी है। तो ये वाला एक लिया है, और उसके साथ में मैंने ये वाला एक जॉगर भी लिया था, ये देखो। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल नहीं चुभेगा। और इसका प्राइस भी है 599, और ये वाला, और ये है 499 का। तो ये एकदम ये कंप्लीट ड्रेस बन गया है, अच्छा दिख रहा था ये वाला। फिर आता है, एक लिया है विदित्व का मैंने, शॉर्ट पैंट 3/4 है ये। तो उसको ना आजकल फुल पैंट नहीं पसंद आते, उसको 3/4 पहनता है वो, तो उसको 3/4 पसंद आती है, तो उसका मैंने 3/4 लिया है। और ये वाला भी अच्छा है एकदम, एक ये वाला भी मैंने उसका लिया था, और इसका प्राइस है 240 का, 240 का है डिस्काउंट के बाद, मतलब कुछ MRP कुछ दूसरा था, लेकिन डिस्काउंट पे मिला है मुझे 240 का। फिर आता है टी शर्ट, ये वाले कलर मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये लिया है मैंने विदित्व के लिए मल्टी कलर, तो बहुत सही कलर दिख रहा था मुझे, तो मैंने ये वाला लिया है। लेकिन 7 to 8 ईयर का है, और उसका एज है 8+, फिर भी उसको बढ़ा रहा है, मतलब अगर 6 to 7 लेंगे ना, तो भी वो 8 ईयर के बच्चे को आराम से बन जाएगा। तो ये उसका भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, और ये भी है 349 का, बहुत प्यारा कलर लग रहा था इसका। फिर एक ये है, ये वाला टी शर्ट भी, लेकिन कपड़ा भी उनका बहुत प्यारा है, सॉफ्ट है। और ये भी है टीम स्प्रिट का, और ये वाला उसने पहना था कल, चिल्ड्रंस डे था ना, उस दिन पहना था इसने, तो ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था उसको। और एक येलो वाला है, येलो वाला भी बहुत सुंदर लग रहा था, ये देखो। स्लीव्स में भी है, और इसकी स्लीव्स देखेंगे ना, तो ऐसा फोल्ड है अंदर से, बहुत प्यारा लग रहा था। ये कलर भी उसको प्यारे लगते हैं, और आपने देखा ही होगा ये उसने पहन चुका है ये वाला टी शर्ट। ये टी शर्ट भी था, ये मैंने पहले सबसे पहले दिवाली के पहले ऑर्डर किया था, तो ये वाला भी बहुत प्यारा लग रहा था उसको ये टी शर्ट। और ये टी शर्ट आया है मुझे 180 में, सिर्फ 180 में, 600 का था, तो इस पर 70% ऑफ था, तो ये मुझे 180 में आया है। मतलब अभी जैसे जैसे ठंडी है ना, तो ठंडी के हिसाब से ये अच्छा है, ठंडे में पहन सकते हैं फुल वाला, और अच्छा भी है, कम्फर्टेबल भी है, सॉफ्ट भी है। तो मैंने एक ये वाला ऑर्डर किया था,
बस हो गया है। और एक ये कंप्लीट ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था, कोई भी पहन सकता है, बॉय भी पहन सकता है, गर्ल भी पहन सकती है, तो ये मैंने ऑर्डर किया था। इसके साथ में पैंट ये वाला था, ये 599 का था और 599 में दोनों पीस आ गए थे मुझे, और 599 पे भी डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट में मुझे सही में आया था, अच्छे अच्छे प्राइस में आ गया था, अफोर्डेबल प्राइस में था, तो ये मैंने एक कंप्लीट सेट ले लिया था। फिर बस इतना ही था बॉयज़ लोगों का, और अभी है इनके लिए मैंने लिया था दो टी शर्ट ऑर्डर किए थे, मुझे लगा पता नहीं इनको पसंद में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनको पसंद में आ गया है। और ये देखो फुल स्लीव का है, अभी विंटर के हिसाब से ही लिया था तो फुल स्लीव का लिया है, और ये मोस्टली फुल स्लीव वाले ही पहनते हैं, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था, और कलर भी उसका ग्रीन कलर है, लीफ वाला ग्रीन कलर आता है ना वो वाला, और उसका प्राइस है 999, लेकिन डिस्काउंट में मुझे ये अच्छी प्राइस में आ गया है। और सेकेंड था ये ग्रे वाला लिया है, और ये वाला भी उनको अच्छा है, मतलब रेगुलर यूज़ के हिसाब से उनको समझ में आ गए, तो उन्होंने बोला ठीक है रख लो, रेगुलर में पहनने में आ जाएगा, जैसे अभी ठंडी है तो रात को पहनने में आता है ना, तो ये रात के हिसाब से ठंडी के हिसाब से पहनने में अच्छे हैं, कंफर्टेबल भी है, और ये है 799 का, तो इसका भी डिस्काउंट था, तो ये भी सही भाव में आया था, ये भी अच्छा लग रहा था, देख सकते। और दो टी शर्ट मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे, ये देखो ये है पर्पल कलर, ये वाला कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, और इसका स्लीव देखो, ये स्लीव है इसका डबल लेयर में, पीछे से यहाँ पर उसमें बटन है, और जो स्लीव है ना, स्लीव नेट में है, इसमें नेट वाला स्लीव है, और इसमें अंदर से ना इनर लगा हुआ है, ये देखो इनर लगा है, तो सिर्फ इस टाइप से स्लीव में है, जो स्लीव में नहीं लगा है इनर, लेकिन ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, कपड़ा क्वालिटी भी इसका अच्छा है, और जब मैंने रिलायंस में देखा था ना, मुझे रिलायंस में ही पसंद आया था, लेकिन ये ऑन MRP था, उस पर कुछ भी डिस्काउंट नहीं था, तो फिर अभी थोड़ा सा डिस्काउंट पे आया है तब मैंने इसको लिया है, तो इसमें है 999, लेकिन डिस्काउंट पे आया है मुझे 300 या 400 में ही आया है कुछ। और एक ये वाला टी शर्ट है रेगुलर यूज़ वाला, तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया था, सिंपल है, सिर्फ उसमें स्लीव में थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन है, तो ये वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो ये वाला मैंने लिया है, और इसका प्राइस क्या है 599 का, 599 का ये वाला, ये वाला भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, कपड़ा एकदम अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है, और साइज़ मुझे M साइज़ आते हैं, तो ये M साइज़ का है, और ये है, ये कौन सी ब्रांड है, DNMX का, और ये वाला है फिग, और मैं मोस्टली ना फिग वाले ही लेती हूँ, क्योंकि फिग वाले मैं जो भी लेती हूँ ना, उसका प्रोडक्ट अच्छा आता है, तो मैं हमेशा फिग वाले ही लेती हूँ, फिग, और सेकंड कौन सा होता है, एक ये वाला DNMX वाला लेती हूँ, और थर्ड होता है जो अजियो का ही होता है, अजियो ब्रांड वाला होता है, वो भी अच्छा आता है, तो एक वो वाला भी लेती हूँ, और बच्चों का हमेशा लेती हूँ KG फ्रेंड वाले, और KG फ्रेंड के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना 0 to 2 ईयर, उनका लेती हूँ, इन फ्रेंड वाले लेती हूँ, और जो विदित्व का रहता है, वो विदित्व के सारे टी शर्ट्स होते हैं टीम स्प्रिट वाले, वो ब्रांड बहुत अच्छा है टीम स्प्रिट का, और क्वालिटी भी उनका एकदम अच्छा आता है, तो विदित्व का और जो एक छोटा बेटा है इनका लेती हूँ मैं, टीम स्प्रिट वाले कपड़े लेती हूँ, और बच्चियों के जो है वो इन फ्रेंड या फिर KG फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरा अजियो हॉल। और मैं अजियो में कुछ भी ऑर्डर करने से पहले मैं रिलायंस में एक बार चेक करके आती हूँ, तो रिलायंस तो मैं 8 दिन में वैसे भी जाती रहती हूँ, 8 से 10 दिन में मैं एक बार रिलायंस पहुँच जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं वहाँ पर चेक करती हूँ कि उसका कपड़ा क्वालिटी कैसा है और उसका कलर कैसा है, अगर अच्छा होगा तभी मैं ऑर्डर करती हूँ, ताकि उसका एक्सचेंज करने का झंझट ना रहे बाद में, तो इसलिए मैं पहले वहाँ पर चेक करके आती हूँ कि इसका कपड़ा कैसा है, कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सी है, और इसका मतलब प्राइसिंग वगैरह क्या है, तो उस हिसाब से मैं चेक करके आती हूँ, फिर घर से आके अजियो से ऑर्डर करती हूँ, और
जियो से ऑर्डर करने में और रिलायंस ट्रेंड से लेने में डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि हम जो अगर ट्रेंड से देखते तो हमें ऑन MRP मिलता है, लेकिन वही चीज़ अगर हम अजियो से लेते हैं ना ऑनलाइन तो हमें अच्छे खासे उस पर डिस्काउंट मिलते हैं और साथ ही साथ हम उसमें कूपन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं अजियो से ऑर्डर करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।